Hello guys, finally Star is ready to go to our exhibition as well as a PTM. PTM में तो नहीं आएगी Star, मैं ही जाऊँगी अकेले. नहीं, exhibition में ही रहेगी. Most of the students will stay down only. Saturday को भी ready होके जाना पड़ रहा है ना. सुबह से स्कूल यूनिफॉर्म में जाना पड़ रहा है एग्जीबिशन के लिए. तो बैग वैग कैरी कर रही है स्टार? थोड़ा बहुत आइटम्स है, टिफिन भी है, वाटर बॉटल भी है, बैग भी कैरी कर रही है. टिश्यू रख लो, टॉवल है? देख लो टॉवल है क्या. टिफिन में स्टार को हर्शीज ब्रेड दिया हुआ है. जेवी तो 4:30 बजे से उठ के बैठा हुआ है. 4:30 बजे से ही नींद खुल गई है हमारी, क्योंकि जल्दी सो गया था. 4:30 बजे से उठ के बैठा हुआ है. घड़ी निकाल लो. गाड़ी. अच्छा, बाय, सी यू, टेक केयर, बाय. आज स्टार को पापा जा रहे छोड़ने के लिए. देयर इज नो बस टुडे, नो स्कूल बस. मैं आ जाऊंगी 10:30 के बाद आऊंगी. 10:45 तक आती हूँ, फिर पीटीएम में जाके कम एंड सी योर एग्जीबिशन. चलो बाय. वो वाले उसमें बाय, सी यू. डू वेल एंड बी केयरफुल ऑल्सो. बी केयरफुल. सो फाइनली आई एम ऑल्सो रेडी टू गो टू द पीटीएम एंड द एग्जीबिशन. सो स्टार तो सुबह ही जा चुकी है एंड पीटीएम तो एक फॉर्मेलिटी है. पेपर्स का मार्क्स तो मुझे मिल गया, आई कैन ओनली सी द पेपर्स. सो यस, आई एम लाइक ऑल रेडी. स्टार तो नहीं आएगी बिकॉज उसको लाइक शी विल बी इन द एग्जीबिशन, सो शी विल नॉट कम. जेवियर इज नॉट कमिंग, ही इज अ बैड बॉय. सो स्टार तो नहीं आएगी बिकॉज उसका एग्जीबिशन चलता रहेगा ना, सो नॉट पॉसिबल फॉर हर टू कम. सो मैं डार्क साइड में खड़ी थी ना, तो मैं दिख ही नहीं रही थी. एंड जेवियर इज ऑल्सो नॉट कमिंग, ही वोक अप एट 4:30 टूडे. सो ही इज़ वेरी लाइक एंटू कटलेट. उसको कुछ ना कुछ करना है, पता नहीं क्या करना है. यस, वो हो. सो मैं अभी जा रही हूँ, पेपर्स देखूंगी, फिर एग्जीबिशन अटेंड करूंगी और स्टार को साथ लेके आऊंगी 1:00 को. सो मेरी फ्रेंड महुआ है ना, उसकी डॉटर भी है स्टेम एग्जीबिशन में, 5th ग्रेड के उसमें. सो हम लोग दोनों वेट करेंगे और फिर उनको लेके आएंगे घर पे. और पेपर्स हमको अकेले देखने जाना पड़ेगा. एज आई सेड, स्टार विल नॉट कम, वो एग्जीबिशन में वेट करेगी. तो मैं जाऊंगी उसके क्लास में, पेपर्स देखूंगी. सो आई डोंट नो हाउ मच आई कैन शूट. पहले स्टार होती थी तो मैं शूट कर लेती थी, बट नाउ आई कैन नॉट शूट द क्लास एंड एवरीथिंग. एग्जीबिशन में जाऊंगी तो ट्राई करूंगी थोड़ा सा वीडियो वगैरह ले, स्पेशली स्टार का. सो यस, चलो गोइंग फॉर द पीटीएम. बाय बाय, बाय, सी यू, सी यू, ओके, बाय बाय. आई एम इन द स्कूल. मैंने पीटीएम अटेंड कर लिया और अब मैं जा रही हूँ. तो मैं स्टार का पीटीएम अटेंड करके आ गई थी इनके एग्जीबिशन हॉल के वहाँ पे. एंड एज सून एज आई एंटर्ड, आई सॉ दिस वॉल विच वाज द एंट्रेंस वॉल ऑफ स्टेम एंड साइंस एग्जीबिशन. और यहाँ पे मुझे स्टारलेट का बनाया हुआ डीआईवाई रॉकेट भी दिखा. आई वाज सो हैप्पी टू सी कि मतलब उसका जो सबसे बड़ा रॉकेट था स्टार का वहाँ पे लगा हुआ था. इट वॉज लुकिंग सो नाइस. हाँ, स्टारलेट का रॉकेट लगा हुआ है और भी बच्चों ने बहुत कुछ बनाया है. दिस इज स्टारलेट मेड रॉकेट. ये है भाई एग्जीबिशन, बच्चों का सारा एग्जीबिशन चल रहा है. स्टारलेट वहाँ खड़ी है, दिखाती हूँ मैं आप लोग को. एंड बहुत बड़ा, मतलब सभी एग्जीबिशन ही चल रहा है यहाँ पे. सो मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो आएगी तो फिर मैं दिखाती हूँ. स्टारलेट का बूथ वहाँ पे निधि का बूथ है. निधि वहाँ खड़ी है और स्टार का बूथ यहाँ पे. बहुत सारे बच्चे खड़े हैं यहाँ पे.
बच्चे यहाँ पे, सारे बूथ में बहुत भीड़ लगी हुई है। फीडबैक भी दे सकते हैं। पेंट कर रहे थे उन लोग, और ये सारे उन्होंने पेंट करके बनाया है, और बस ये जो चिपका है ना चीज़ें, वो बच्चों को बोला था बना बना के लाने के लिए, तो वो स्टार ने बनाया रॉकेट। बाकी ये दोनों रॉकेट भी उसके क्लास के एक बच्चे ने बनाया था। बच्चों को बोला गया फोटो खींच लेंगे। रोबोट भी बनाया है। काफी भीड़ है हाँ, लेकिन एग्जीबिशन में काफी टाइम से भीड़ लगी हुई है। ये सब भी ऐसा होना चाहिए। हाँ, कोई ना मतलब क्या पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लेके इधर स्टार्ट तुम्हारा रॉकेट, वेरी नाइस। हमने भी बनाए। हाँ, तुम लोग ने बनाया क्लास कब्स में? कब बना? क्लास में बैठे सीसीए पीरियड के टाइम, क्योंकि टीचर ने बोला कि ये भी बना दो। पूरा सिक्स ग्रेड नहीं बनाया था क्या ये जो? पता नहीं। अच्छा बना। ओके बाय। एक्चुअली ना कैंटीन कूपन से नहीं, कैश से ही चल रहा है, मतलब कैश दे रहे हैं उन लोग ना। आज कूपन नहीं चलेगा। हम लोग आए यहाँ पे बैठ गए। हाँ, हम लोग बाहर के। अच्छा, मतलब बच्चे यहाँ बाहर आके बैठ सकते क्या कैंटीन के? स्टार तो उसके बाद आई नहीं है। वो जो इंसिडेंट हुआ था ना कैंटीन में, आई फिर खाने के बाद उसको वो हुआ। गया गुड। ये तुम्हारे क्या है? नहीं, ये सिक्सटी का, ये हमारा है। You made this. We all together made this. Okay, very good. Huh? Thank you. Say hi to my vlog. I'm subscribed. Oh, thank you so much. Thank you. अच्छा, हाउ वाज दिल्ली? वही 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 होता है रेस। लेकिन इरेज करने की जरूरत ही क्या है? नहीं, अगर कोई पॉइंट बाय मिस्टेक ही इरेज करती तो मत हाईलाइट कर, तो बस उसके लिए खाली एक इरेजेबल हाईलाइटर चाहिए। कैसा था तुम लोग का एग्जीबिशन वगैरह? अच्छा था, मजा आया। तो अभी इन लोग को वो मिल रहा है पार्टी अच्छे से एग्जीबिशन करने के लिए।
तो फाइनली काफ़ी एग्जिबिशन लेट ख़त्म हुआ, उसके बाद बच्चों को काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों बच्चों को निधि और स्टार को लेके आ गए रेस्टोरेंट में जो हमारे स्कूल के बाजू में ही था। तो वहाँ से हमने कुछ खाना वगैरह लंच वगैरह किया और उसके बाद बच्चों ने भी अच्छे से पेट पूजा कर ली, थोड़ा बहुत बातें बातें कर लिया एंड अ वेरी डे वेल स्पेंट। और हम लोग फिर घर आ गए। ये निधि और स्टार मिलके जो लास्ट टाइम गए थे स्टेशनरी स्टोर में, निधि ने एक इरेजेबल हाईलाइटर लिया था तो उसी को ट्राई कर रहे थे, और उसके बाद मैं और स्टार घर आ गए थे। जेवी वेट कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी मैं, सुबह की निकली हुई थी सुबह सुबह की, तो बस इसीलिए हम लोग घर चले गए फटाफट। नेक्स्ट बैग। नेक्स्ट डॉग। हाँ फाइन डॉग। नेक्स्ट कब। फाइन कब। यूपी। नेक्स्ट गो गर्ल्स। मम्मी पेंसिल देना, देखते हो करता है कि नहीं। नहीं मैंने साइडवेज ही बनाया। साइडवेज बनाया तुमने। हाँ जेवी द गोट विल गो लाइक दिस, उसको समझ में नहीं आता ना कि साइडवेज भी जा सकता है। मैंने बोला था ना, मैंने पूछा था मम्मी से कि साइडवेज बनाओ, क्या मम्मी ने बोला हाँ बना दो। अच्छा ऐसे बोला था क्या? ओके नेक्स्ट। मैंने वही एक गोट लिखा था क्योंकि मुझे लगा कि उसको हार्ड रहेगा। वैसे मत बनाओ बिकॉज वो अभी तक वैसे नहीं बना, खाली हुई है। होम, वेरी गुड, फाइंड होम। सो अभी शाम हो गई है। यस यस बेबी काव इज कॉल्ड अ काफ। सो हम लोग आ चुके हैं घर पे। घर पे तो आफ्टरनून को ही आ गए थे, बहुत लेट हो गया था। उसके बाद जेवी 4:30 को उठा था, वो सोया नहीं था, तो हम तीनों सो गए, एकदम गहरी नींद में सो गए। दो ढाई घंटे आराम से सो के उठे हैं, उसके बाद कॉफ़ी वगैरह पिया, स्टार भी उठे, उसने अपना जो टिफ़िन लेके गई थी वो अभी बैठ के खाया, उसने खाया नहीं था। सो उसने खाया टिफ़िन, उसके बाद बस अभी बैठे हैं, थोड़ा सा देवी को कुछ बीटी एक्टिविटीज़ करा रहे, थोड़ा सा ऐसी एक्टिविटी करा रहे। तो और स्टार भी बस उठी, आज फ्री टाइम है, कल एक ही दिन की छुट्टी है संडे को। एंड आज का दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब एग्जिबिशन एंड एवरीथिंग, टाइम बहुत अच्छे से निकल गया। सारे टीचर्स से भी मिली मैं, स्टार के क्लास टीचर से भी मिली, उसके बायो टीचर से भी मिली एंड उनके हेड सुपरवाइजर से भी मिली थी स्कूल के। यस बेबी एलिफेंट इज कॉल्ड अ काफ। सो एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी विद स्टारलेट परफॉर्मेंस एंड दे वर लाइक नॉट ओनली स्टडी वाइज, दे आर लाइक इन जनरल वो स्टार से बहुत हैप्पी है। दे आर लाइक शी इज़ अ वेरी डिसिप्लिन एंड अ गुड चाइल्ड, तो मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता है। सो आई एम लाइक वेरी हैप्पी। सो यस चलो स्टार से पूछते हैं उसका एग्जिबिशन कैसा है। हेलो मैडम, हाउ वाज द एग्जिबिशन? वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट, वाज वेरी फन। तुम दोनों दूसरे एग्जिबिशन देखे कि नहीं दूसरे बच्चों के? लास्ट टाइम क्या बोलते जब एक बच्चे की मम्मी आई थी और उसने उसको बोला कि सारे बच्चों का स्क्रिप्ट याद आएगा, उसने बोला हाँ, तो उसकी मम्मी उसको रिकॉर्डिंग करने लग गई कि बोलो सारे स्क्रिप्ट, तो फिर उससे टाइम में हमने बोला कि टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो उसे सब भी देख कर रहे हैं। तो तुमने देखा थोड़े बहुत? थोड़े बहुत ही देखा, मैं बस देख रहा हूँ आगे वापस। ओके ओके, सब अच्छा था, बच्चों ने काफ़ी अच्छे से बनाया था, सर सब टीचर्स लोग सब अच्छे से घूम रहे थे। चलो अच्छा है, तुम्हारा रॉकेट भी अच्छा लग रहा था इसमें लगा था। दैट वॉज इट, एवरीथिंग गॉन वेल। तुम्हारे पेपर्स भी मैंने सारे चेक किए थे, सारा मैंने अच्छे से बैठ के चेक किया। आईसीटी में थोड़े से मार्क्स कम हो गए थे, बाकी तो सब में थोड़े बहुत ही, जैसे मैंने बोला एमसीक्यू में ही थोड़े से कम हो। हेलो जेवियन, जेवियन की आज हॉलीडे, जेवियन की भी टीचर को मैं मिली थी, शी वॉज ऑल्सो लाइक जेवियन इज वेरी नॉटी, ऐसे बोल रही हूँ। आई पानी गिरी, मैचिंग मैचिंग करवाओ उससे। जेवियन डू हिंदी मैचिंग, हिंदी मैचिंग। जेवियन को आज बहुत एक्टिविटी करा रहे हैं हम लोग बैठे बैठा के। यस याक, हाँ
रसे रसे रसी वंडरफुल वर्स ए वंडरफुल चलो लुक एट द मेस इन द टेबल हिंदी मैचिंग सो आज क्योंकि मेरे साथ स्टार नहीं थी पीटीएम में स्टार नहीं थी मैं अकेले गई थी तो मैं जाके मिलके भी आई प्लस स्टार का क्लास का फोटोग्राफ का भी मैंने पेमेंट कर दिया तो स्टार की क्लास फोटोग्राफ भी आ जाएगी तुम लोग को भी मिल जाएगा मैंने कर दिया पेमेंट उसका क्लास में नहीं नहीं टीचर ने वहाँ पे एक शीट रखा हुआ था तो उन्होंने नाम लिख के ले लिया तो क्योंकि स्टार नहीं थी तो मैंने कुछ शूट वगैरह भी नहीं किया था बाकी क्लास इस बार थोड़ा खाली हो गया है सारे पोस्टर्स वगैरह मोस्टली सब निकाल दिए क्लास से कौन से पोस्टर्स वेरी चार्ट थोड़े बहुत ही थे नॉट मच लाइक बिफोर जैसे होता था ना काफी पीछे वगैरह सब लग गया था पीछे तो पूरा खाली था अच्छा अभी नहीं है कोई नहीं वो सब थे बाकी तो कुछ था नहीं और बाकी तो एज यूजुअल वैसे ही था नीचे ही सारे सब थे तो मेरी फ्रेंड भी आई वो भी अपने क्लास जाके आई तो यस बाकी दूसरे टीचर्स लोग से भी मिलना था मुझे हिंदी मराठी टीचर से भी मिलना था बट स्टार होती तो मैं डेफिनेटली आके मिलती पर नहीं मिल पाई अभी तो सीधा फाइनल टर्म होगा फाइनल टर्म में तो सीधा रिजल्ट आएगा और कुछ मिलेगा तो नहीं पीटीएम वगैरह होगा नहीं सीधा नेक्स्ट सेवेंथ ग्रेड में भी आप वही उसी फ्लोर में रहोगे सामने सेवेंथ ग्रेड है ओके ओके देन चलो हमारे क्लास में सामने से दिखता है कि सेवेंथ ग्रेड बच्चे क्या कर रहे हैं तो सेवेंथ वाले बच्चे आप लोगों को जानते हैं वीकेंड पानी पूरी पार्टी सो वी आर मेकिंग होममेड पानी पूरी डालो डालो मीठा पानी हमने घर पे बनाया है तीखा पानी हमने घर पे बनाया है बटाना हमने घर पे बनाया है डालो और क्या तीन तीन डाल के रखा हुआ है डालो ना नारियल रखो मैं ऐसे खा लूंगी हाँ एंजॉयिंग द पानी पूरी मैथमेटिक्स में वर्क करी थी उसने कितने मैथमेटिक्स पढ़े मैथमेटिक्स उसको लेटर्स बनाने अल्फाबेटिक लेटर्स अच्छा मैथ्स का उसको वर्क है बहुत दिनों बाद उसने कॉल किया Hi Zoya. How are you? What are you doing? DIY, art and craft. How is your new house? How is your new house? It's good. Enjoying the new place, huh? घर तो ज्यादा बड़ा हो गया
सो फाइनली आफ्टर अमेजिंग पानीपुरी पार्टी फॉर डिनर, हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया पानीपुरी होममेड स्पेशली. इतनी सारी चीज़ें हमने घर पे बनाई, सिर्फ पूरी हम बाहर से लेके आए थे, बट वी थरली इन्जॉयड सो मच. सब ने खा के वही हमारा डिनर था, हमने ख़त्म किया. फाइनली स्टार आके अपना नोट्स वगैरह लिख रही थी एंड वॉट अ गुड डे टू एंड. जोया का भी फ़ोन आ गया था और दे वर टॉकिंग फॉर अ वेरी गुड वाइल. दोनों ने काफ़ी देर बैठ के बात की. तो ऐसा मतलब ना ऐसा नहीं होता है कि ये लोग ना पहले तो साथ में रहते थे तो लाइक एवरी डे मिलना जुलना हुआ करता था, बट अभी दोनों क्योंकि अपने अपने स्टडीज़ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए, टाइम का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो महीने में एक बार टाइम मिलता है तो जोया कॉल कर लेती है तो स्टार कॉल कर लेती है. एंड ऐसे दोनों काफ़ी देर बैठ के बात करते, तो दोनों अपना कुछ कुछ कर भी रहे थे, बात भी कर रहे थे, नोट्स भी कंप्लीट कर रहे थे, और ऐसे स्टार ने अपना एक अमेजिंग सा डे एंड किया. सो आई होप आपको ये एग्जीबिशन और पीटीएम का व्लॉग अच्छा लगा होगा. पीटीएम का मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि स्टार वॉज नॉट देयर, बट आपको ओवरऑल मैंने सारे मार्क्स भी बता दिए. आई होप आपको ये सारा जो मैंने सीरीज बनाया था, जो एग्ज़ाम रूटीन से लेकर स्टार का सारे एग्ज़ाम पेपर्स के बारे में डिस्कशन एज वेल एज मार्क्स सब कुछ बताया, तो आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा. एंड लेट्स गेट प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल टर्म एग्जाम. टिल देन सी यू ऑन माइना द ब्लॉग. टेक केयर, बाय बाय.